राजस्थान की गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करके एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया। मीणा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी, राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे। मीणा ने यह कहा कि भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चले थे। तो राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से उन्होंने की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा हो रही है। वहीं मीणा के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह कहा कि राहुल गांधी के नाम और राम के नाम में आर शब्द की समानता है, लेकिन ये महज संयोग है। लेकिन हम भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर रहे, भाजपा अपने नेताओं के लिए ऐसा करती है। राहुल गांधी एक इंसान है और वो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं परसादी लाल मीणा के बयान पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा और आलाकमान को आगाह कर दिया कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम से तुलना राहुल गांधी से करके चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड पार्टी के कुछ लोगों ने तोड़ दिए हैं और इस तरह की बातों से पार्टी उपहास का कारण भी बन जाती। तो राजस्थान सरकार के मंत्री परसादी लाल मीणा ने बयान दिया। गांधी जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे और ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह का वातावरण बना दिया। भगवान श्री राम भी जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकर राज जी भी चले थे। तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। तो तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है, ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते, वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान भगवान हैं या हम इंसान हैं, हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं और ये सब देश देख रहा है, देश नहीं तो दुनिया देख रही है और दुनिया भी राहुल जी की इस पदयात्रा को गौरवित कर रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की पदयात्रा ये देश को, देश के तिरंगे को, देश के संविधान को और देश की इंसानियत को बचाने के लिए चल रही है और उसमें लोगों का बड़ा योगदान और उसमें लोग सम्मिलित हो रहे। तो बता दें, राम से तुलना पर भड़के हैं लक्ष्मण। मीणा ने राहुल गांधी और भगवान राम की तुलना कर दी है। बड़ा बयान सामने आया है जिस समय राहुल गांधी कांग्रेस की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पदयात्रा निकल रही है और इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री हैं परसादी लाल मीणा, जिन्होंने तुलना कर दी भगवान श्री राम से। उन्होंने कह दिया इस तरह की बातें कि भगवान राम से तो ज़्यादा अब राहुल गांधी यात्रा जो है वो करेंगे, राहुल गांधी भगवान राम से ज़्यादा पैदल चलेंगे। वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट कर आलाकमान को आगाह किया है कि पार्टी के कुछ लोग इस तरह से चमचागिरी कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं ऐसी बातों से पार्टी का मजाक भी उड़ रहा है। तो राम से तुलना पर भड़के लक्ष्मण, भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से करना राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे भगवान हनुमान जी की को भी अभी तक राजनीति में लाया जाता रहा है और अब भगवान श्री राम को भी इस तरह से बीच में लाना, राजनीति का जो चरम है वो देखिए किस तरह पहुंच रहा है। पार्टी के कुछ लोग चमचागिरी की जो हदें हैं वो पार कर रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से तुलना जो है वो की जा रही है। तो मीणा ने राहुल गांधी और भगवान राम की तुलना की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस 24/7 पर। और अब ये भारत छोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की और इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री परसादी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के साथ तुलना कर दी गई उनकी, ये कह रहे हैं कि वो तो उनसे भी ज्यादा पैदल चलेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये बढ़िया है साहब, परसीराम जी लगता है श्री राम की सेना में रहे होंगे तो इसलिए जानते हैं कितना पैदल चले हैं। तो ये तो क्या है कि इनकी बुद्धि को तो भगवान राम ही ठीक कर सकते हैं, हम लोगों के बस का तो है नहीं। आप सोचिए भाई, राहुल को राहुल ही रहने दो, उससे ही बहुत है। कहाँ श्री राम और कहाँ राहुल, ठीक है।
सभी लोग इस बात को समझते हैं कि बहुत हल्के किस्म का सस्ते स्तर का ये गुणात्मक बयान है और कोशिश करें कि इससे बचें साहब। बाकी तो हम सब जानते हैं कि हिंदुत्व हमारी मान्यताएं उसको लेकर कांग्रेस के क्या विचार हैं, हमेशा उपहासात्मक ही रहे हैं, तो ऐसा ही एक प्रकार से फिर मजाक उड़ाने का उन्होंने काम किया है। क्या समझे, जिस तरह से वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ये कहते हुए भी नजर आए कि चमचागिरी जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं। ये तो झलक ही रहा है भाई, आप बताइए राहुल गांधी जी का, चलिए अपन श्री राम भगवान को दो मिनट के लिए भूल भी जाए, तो आप मुझे बताइए भारत की राजनीति या उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या योगदान है जिसके लिए वो जाने जाए। अधिकांश चुनाव हार गए हैं, उनके ही समय में जो कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में हुआ करती थी सिमट कर दो राज्यों में आम आदमी पार्टी के बराबर हो गई है। जहां जहां से वो गुजरते हैं वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, उनसे कोई भारत में इंप्रेस होता हो ऐसा कोई वर्ग ही दिखता है कि कोई राहुल गांधी जी के विचारों को बहुत मानता हो, इकोनॉमी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या किसी भी विषय को लेकर उनकी कोई ऐसी दृष्टिकोण हो जो देश के सामने आया हो जो बहुत रिमार्केबल हो, ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो हम किस मामले में उनको मानक मान ले इवन राजनेता के रूप में, इसकी खोज अभी तक जारी है। खोज जारी है, लेकिन नितेश जी ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ऐसा क्या हो जाता है राजनीति का स्तर ऐसा कहाँ पहुंच जाता है कि अपने अपने नेताओं को भगवान से तुलना करने लग जाते हैं? कोई मतलब ही नहीं है। देखिए राजनीति का क्षेत्र में आपकी बात पूरी तरह सहमत हूँ, बहुत अलग है। अध्यात्म का क्षेत्र बहुत अलग है, वहां पर हमारी श्रद्धा और आस्था के पूरे सारे मानदंड हैं, केंद्र हैं जिनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर हम उनको तर्कों की और व्यवहारिक जिंदगी की कसौटी पर कसकर देखते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है और कहीं से कहीं तक दोनों जगत की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो भगवान श्री राम का चरित्र सभी जानते हैं किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं वो, और उसके बाद उनकी तुलना कहीं ना कहीं एक आम इंसान से करना बेहद कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश जी बातचीत करने के लिए।